प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आइए आज हम मिलजुल कर कहानी लेखन सीखें। कहानी किसको अच्छी नहीं लगती? हम बचपन से ही विभिन्न कहानियां सुनते आए हैं। यहाँ तक कि यदि अभी भी हमें अपनी पुस्तकों में कोई पाठ बहुत कठिन लगता है, तो हमारी अध्यापिकाएं एक सुंदर सी कहानी रचकर हमें वह पाठ समझाती हैं। कहानियां मन को छू जाती हैं और कहानियां हमारे इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कहानी लेखन के द्वारा हम अपनी भाषा का उच्चारण और लेखन दोनों बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। कहानी लेखन भाषा को और खूबसूरत बनाने का एक बेहतरीन साधन है, क्योंकि यह आपकी कल्पना शक्ति का प्रयोग करती है। आइए इसी पाठ से एक कहानी का उदाहरण लेते हैं। एक लोमड़ी तथा सारस में गहरी मित्रता थी। एक दिन लोमड़ी ने सरस को अपने घर पर दावत पर बुलाया। जब सारस उसके घर आया, तो लोमड़ी ने चौड़े थाल में खीर परोस दी। अपनी लंबी चोंच होने के कारण सारस थोड़ी सी खीर ही खा सका, परंतु लोमड़ी सारी खीर चट कर गई। सारस भूखा ही लौट गया। कुछ दिनों बाद सारस ने लोमड़ी को अपने यहाँ दावत पर बुलाया। जब लोमड़ी आई, तो सारस ने अपमान का बदला लेने के लिए खीर को एक तंग मुंह वाले बर्तन में परोस दिया। सारस की चोंच लंबी थी, अतः उसने मजे से पेट भरकर खीर खाई, परंतु लोमड़ी का मुंह उसमें न घुस सका, अतः वह खीर न खा सकी। अब लोमड़ी समझ गई कि सारस ने अपना बदला ले लिया है। इस कहानी का शीर्षक है ईमानदारी का फल। एक लकड़हारा वन में नदी किनारे लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह वहीं बैठकर रोने लगा। उसी समय जल देवता वहां प्रकट हुए। उन्होंने लकड़हारे से रोने का कारण पूछा। लकड़हारे ने कहा, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। मेरे पास कोई अन्य कुल्हाड़ी नहीं है, अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा? लकड़ी न होने पर मेरे घर में खाना नहीं बन पाएगा। जल देवता को लकड़हारे पर तरस आ गया। उन्होंने नदी में गोता लगाया और एक सोने की कुल्हाड़ी लकड़हारे को दी। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी देखकर कहा, यह मेरी नहीं है। जल देवता ने दोबारा नदी में गोता लगाया और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। लकड़हारे ने फिर कहा कि यह कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। जल देवता ने फिर नदी में गोता लगाया और लोहे की कुल्हाड़ी लाकर लकड़हारे को दी। लकड़हारे ने उस कुल्हाड़ी को देखकर कहा, यही मेरी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे की ईमानदारी से खुश होकर जल देवता ने उसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी दे दी। शिक्षा, हमेशा ईमानदार रहो, कभी भी बेईमान मत बनो। तो बच्चों, अब आप अपनी पुस्तक में दिए गए चित्रों पर कहानियां रचें और अभ्यास करें। धन्यवाद।